ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं एक साल से डायलिसिस करवाता, एक साल से मुकम्मल बिस्तर पर मैं उमरा करने के लिए गया। ये बात मैं आप फायदे आम के लिए अपनी करामत नहीं बयान कर रहा हूं आपके सामने, ये ताकि लोगों को, आम लोगों को फायदा हो। डायलिसिस ऐसा मर्ज है, कभी जाता नहीं बल्कि आदमी को ले जाता है। हफ्ते में 3 डायलिसिस मेरे होते थे, टब्बा डायलिसिस जो है वहां। तो अब मदीने शरीफ में गया और इस गर्ज से गया, चलिए वहां दुआ करेंगे, सरकार के यहाँ दरखास्त पेश करेंगे सेहत याबी। वहां गया तो मदीने शरीफ में एक अस्पताल बहुत बड़ा, किंग फहद अस्पताल, उसमें डायलिसिस होता जो उमरा करने वाले। मैं वहां गया डायलिसिस करवाने के लिए, एक पाकिस्तानी डॉक्टर से के हमारे यहाँ के कराची साहब है वहां, उन्होंने वक्त ले लिया था कि जाके जरा दवाइयों को देखा जाए, कुछ नशे बफराश करना, कुछ दवाइयां बढ़ानी हो, कुछ घटानी हो, उसको दिखाया जाए। हम उससे वक्त लेकर के वहां गए। जब गए उन डॉक्टर के पास तो वह आगे था उसकी गली में अस्पताल के, निकले पैदल तो उसके यानी उसका कमरा जो था वो बाएं हाथ पर जरा आगे चल के था। एक सामने से एक साहब आ रहा था, सूट वूट पहने हुए आए, सामने आए तो वो मुझसे बगल ही हुए और हाथ चूमा, पहले आप यहां कैसे आए? तो मैंने कहा भाई मैं गुरुदे का मरीज हूँ, डायलिसिस करवाने के लिए आया हूँ। ये बात किसी सूफी नहीं डॉक्टर ने मुझसे, तो कहने लगे आप किस चक्कर में पड़ गए? मैंने कहा डायलिसिस करवाता हूँ, मैं तो यहाँ जो मशहूर दुनिया का डॉक्टर है अदीब रिजवी, इसको दिखाया। इसने मौलाना आप जीने का तरीका यही है कि आप डायलिसिस करवाए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आप बताइए कहाँ रहते हैं? यहाँ। मैंने बताया कि हमारे साथी। कहने लगे आप ठहरे, यहाँ एक कुआं है उसका पानी गुरुदे के लिए बहुत मुफीद, आप वो पानी पिए। मैंने कहा वो कहाँ है? मैंने जब मालूमात की तो उन्होंने बताया उसका नाम बीरे रुआ है। मैंने कहा आज से 4 साल पहले मैं वहां गया था, उसका पानी पिया है। तो आप डॉक्टर हैं और आपकी बहुत दूर पोस्टिंग है, आपको 4 घंटे भी अपने अस्पताल जाने में लगेंगे, तो आप जाएं और मैं वो पानी मंगवा लूंगा। फिर मैंने किसी को भेजकर वो पानी मंगवाया, 6 महीने से मैं वो पानी पी रहा हूं, तो उस पानी के पीने से मेरा डायलिसिस अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। जो डॉक्टर भी देखकर कहते हैं कि हमारी तारीख में कभी हमने नहीं देखा कि डायलिसिस किसी का खत्म हुआ। ये मदीने शरीफ के पानी की बरकत है, वो है बीरे रूहा कहलाता है। मदीने शरीफ जब बदर शरीफ की तरफ जाए तो दहने हाथ पे एक बहुत कच्ची आबादी है, बिल्कुल चंद मकान नजर आते हैं वरना मैदान है पूरा। तो उसका नाम है रूहा उस कुएं का, तो बीर चूंकि अरबी में कुएं का कहते हैं तो बीरे रूहा के नाम से मशहूर है। तो मैं वो पानी पीता हूँ और जो भी गुरुदे का मरीज हो मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई मदीने शरीफ में कोई आपके जानने वाले हो या हज करने जाते हैं तो ये पानी मंगवाइए और पिए आप, इंशाल्लाह तबारक व तआला आपका डायलिसिस खत्म हो जाएगा। मेरा तो बहरहाल खत्म हो गया उससे अल्हम्दुलिल्लाह, अब मुझे जरूरत नहीं पड़ती।